Hey guys, good morning. तो दोस्तों अभी मॉर्निंग हो चुकी है और आज की जो मॉर्निंग है बहुत ही प्यारी यार। ये देखो यार, जबरदस्त। और गाइज आपको पता होगा यार, मैं 2-3 दिन पहले ये वाले पहाड़ी पर घूमने गया था, ठीक है। तो ये दो पहाड़ नहीं यार, ये पहाड़ घूमने के लिए हमें जाना है बहुत जल्द। बट उसके बाजू का जो आप पहाड़ देख रहे हो ना भाई, उसके ऊपर हम घूमने के लिए गए थे यार। बहुत ही प्यारा यार झरना बह रहा था यार, ठीक है। जैसे ही भाई हमारे यहाँ पे अच्छे से बारिश हो जाएंगी, तब हम यहाँ पे घूमने के लिए ज़रूर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं हमारे गोल्डन मॉलिज को उनका फूड दे रहा हूँ। ये देखो यार, बड़े ही मज़े से इनका फूड ये इंजॉय करते हुए। और गाइज इस वाले पौंड में भाई हमारी मार्बल मॉलिज और उनके साथ भाई हमारी सारी टक्सुडो कबीज। पहले तो मैं इनको अच्छे से बुला लूँगा पास, फिर मैं इनको अभी इनका खाना देने वाला हूँ भाई। ये देखो यार, वो सारी वहाँ पे बैठी थी, अभी ये दौड़ी चलेंगी उनका फूड खाने के लिए। ये देखो यार, बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे आज फ्लावर्स आए हुए हैं। ये देखो भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक यहाँ पे भी एक छोटा फ्लावर आया हुआ है। उसके बाद भाई हमारे भाई ये फिर से अटैक करने लगा है यार। क्या यार बॉब, ऐसा ना कर यार। ये देखो अभी इसको खाना भी दे दिया मैंने। ये शायद से ना भाई खाने के लिए अटैक कर रहा होगा यार। ये इसकी फीमेल हो गई और ये हमारा बॉब हो गया। बॉब ही अटैक करता है भाई, फीमेल शांत है भाई। यहाँ पे भाई हमारी सारी मिक्स मॉलिज और येल्लो टक्सेडो कप्पीज। तो चलो भाई इनको भी इनका फूड देते हैं अभी। ये देखो अभी सारी दौड़ी चलेंगे भी इनका फूड खाने के लिए। और गाइज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ना यार, छोटे 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 बच्चे भी दिख रहे हैं यार मुझे। ये देखो गाइज, ये भाई हमारे येल्लो टक्सेडो कप्पीज के बेबीज कितने क्यूट है यार। ये छोटे भाई साहब सारे के सारे फैले हुए और ये यहाँ पे क्यों बचे हुए भाई, क्योंकि ये वाला जो वाटर है ना भाई ग्रीन है, तो ग्रीन वाटर में यार ये ज़्यादातर अटैक नहीं करते फिशेज बच्चों के ऊपर। यार बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मॉलीज के भी छोटे छोटे बच्चे भाई। ये देखो भाई, ये ब्लैक मॉली यहाँ पे भी। ये देखो यार गप्पीज भाई साहब। भाइयों का एक ही क्वेश्चन होता है कि यार मॉली फिश के बच्चे होते वो ग्रो नहीं हो पाते, वो सर्वाइव नहीं करते यार हमारे यहाँ पे, उनको व्हाइट स्पॉट आ जाते, वो हो जाता है। तो बहुत सारे भाइयों के ऐसे अलग अलग क्वेश्चन होते। तो यार 2 साल पहले मेरी यही कंडीशन थी, मतलब मैं मॉली फिश लेके आ गया था, उनको मैंने टैंक में रखा था, तो टैंक में वो ब्रीड भी करते थे बट उनके जो बच्चे थे वो नहीं बच पाते थे यार, वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो यार मैंने थोड़ा सर्च किया इनके ऊपर, तो मैंने सोचा कि भाई इनको ग्रीन वाटर में रखा जाए। तो बच्चों को मैंने ग्रीन वाटर में रखा और गाइज उनके जो ग्रोथ है ग्रीन वाटर में बहुत अच्छे से हुई और जो डेथ रेट था वो भी कम हो गया। मतलब मेरे पास जो 100 बेबीज थे, मैंने 100 के 100 बेबीज ग्रीन वाटर में रख दिए, और वो जो ग्रीन वाटर होता है वो थोड़ा पुराना वाटर होना चाहिए, तो उसमें मैंने रख दिया और सारे बच्चे अच्छे से ग्रो हो पाए। उसमें से भाई 95 या 96 बच्चे ग्रो हो ही जाते हैं भाई, ठीक है ना। 4-5 बच्चों की डेथ हो जाती है, बट मैं जो टैंक में इनको रखता था ना यार, सारे बच्चे मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे। तो भाई ग्रीन वाटर में मैंने सोचा, मतलब ग्रीन वाटर में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये वाला सेटअप बनाया है, यहाँ पे मैंने एक प्लांट लगाया है जो कि इनको धूप से बचा, मतलब पूरा धूप में भी रखा है यार। ये देखो यहाँ पे मैंने प्लांट रखा है, प्लांट से थोड़ा बचा होगा धूप से, यहाँ पे छाव भी होती है दोपहर में। और यहाँ पे जो मॉलिज मैंने रखे है बहुत अच्छे से ये ग्रो भी हो पाते थे और ग्रीन वाटर में अच्छे ब्रीड भी करते हैं भाई, ठीक है। और ये पूरे ग्रुप में रहते हैं यार। अभी ये सारे भाग गए, इनको जस्ट मैंने फूड दिया ना। ये देखो अभी आ गए, देखो जैसे इनको बुलाते हुए सारे मॉलिज मेरे आ जाते। यार ध्रुव तो कुछ कर रहा है भाई। ओए क्या कर रहा है यार ध्रुव तू? कुछ नहीं भाई, पानी निकाल रहा हूँ यहाँ से। अच्छा हाँ यार, आज ना गाइज हमें हमारे जो बाप फिश का टैंक है वो भी क्लीन करना था। बहुत दिन हो गए भाई हमने इनका जो वाटर है वो क्लीन नहीं किया, और यहाँ पे हमारा कोई प्लेको फिश वगैरह नहीं था, तो इसी की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे आगे ये देख सकते भाई अलगी वगैरह लग चुका है। तो इसी की वजह से अभी हम क्या करते हैं गाइज, पूरा पानी निकल लेते हैं और आज हमारे पूरे टैंक की क्लीनिंग कर देते हैं। तो ये वाला जो टब है इसमें हम सारे ग्रेवल्स वगैरह निकाल लेंगे और ये वाले टब में हम सारे हमारे फिशेस रखने वाले। तो चलो भाई जल्दी जल्दी पानी में निकल रहे हैं और इनको जल्दी लेके जाना होगा। ध्रुव निकल गया पानी? कितना बाकी? अबे और 50% बाकी यार, 50 मतलब 30 या 40 रहेगा ये, बाकी तो हमने निकल दिया उसका पानी। दोस्तों ये वाला जो ड्रिप टूड आप यहाँ पे देख रहे हो ना यार, इसे भी अच्छे से हमें क्लीन करना होगा यार, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ये फ्लोर ऑन टॉय भी ऐड किया था और ये वाले प्लांट भी यहाँ पे ऐड किए थे, ठीक है। इनको भी अच्छे से क्लीन करना होगा और वहाँ पे एक एंजल फिश भी दिख रहा होगा, वो भी हमें अच्छे से क्लीन करना होगा। उसको मटकियों को भी अच्छे से क्लीन करना होगा, हमारे जो ग्रेवल्स है उनको भी अच्छे से क्लीन करना होगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पे हमारे जो ड्रिप टूड वगैरह हमने लगाए थे, जो रखे थे, वो हम यहाँ से अभी निकाल रहे हैं। अरे यार गिर गया। ये हमारा सेकेंड वाला, ये हमारा थर्ड वाला। ये देखो भाई अभी ये सारे एक करके हम निकल देते हैं यहाँ से। कितने थे भाई ऐसे? ये 5 या 6 होंगे यार। ये देखो यार ऐसे पूरे इनको अच्छे से क्लीन करना होगा, क्योंकि ये देखो यार इनके ऊपर पूरा अलगी जम चुका है। ये देखो यार
अच्छे से धूप में भी सुखा लूंगा मैं थोड़ी देर के लिए। और ये भी देखो यार, इसका कलर क्या था और क्या कलर हो गया भाई इसका, क्योंकि आगे लाइट चालू होती है ना, तो लाइट चालू होने की वजह से थोड़ा बदल के आ जाता है यार यहाँ पे। और ये टॉय फ्लोरम भी देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से रहा, तो इसे भी मैं अभी निकल लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने ये एंजल फिश भी रखा था, आजा भाई, और ये वाले भी रखा था, ये देखो भाई, इनको भी अच्छे से क्लीन करना होगा। चलो भाई मटकियाँ भी अभी मैं निकल लेता हूँ सारी। ये आ गई भाई हमारी मटकी, ये भी आ गई भाई हमारी मटकियाँ, लास्ट वाली दो बची थी ये भी आ गई। ये देखो गाइस हमारा ये अभी पूरा टैंक खाली हो चुका है, यहाँ पे अभी सिर्फ फिशेस और ग्रेवल्स रह चुके हैं, जो कि ग्रेवल्स के भी हाल देख सकते हैं। ग्रेवल्स हमारे पूरे वाइट थे, अभी इनका कलर भाई बिल्कुल अलग ही हो चुका है, ब्राउन ब्राउन सा, तो इनको भी अच्छे से हमें क्लीन करना होगा। क्या कर, पूरा पानी निकाल, उसके बाद अपन ग्रेवल्स निकालेंगे, तब तक मैं ये सारी चीज़ क्लीन करता हूँ, ठीक है। तो भाई जितनी भी मटकियाँ वगैरह थी वो सारी हमारी धुल चुकी है, और यहाँ पे भी जो टॉयज़ वगैरह थे ड्रिप टूट थे मैंने अच्छे से धो लिया है, और अभी धूप में इनको अच्छे से थोड़ी देर सूखने देते हैं, फिर हम हमारा जब टैंक का पूरा वाटर चेंज हो जाएगा फिर हम वहाँ पे ऐड करने वाले। तो भाई अभी मैं क्या करता हूँ भाई, हमारी यहाँ से सारी फिशेस निकल लेता हूँ, क्योंकि अभी पानी का लेवल भी कम हो चुका है, तो जल्दी जल्दी इनको भी पकड़ना होगा यार। आ जाओ भाई, ये देखो भाई हमारी रेड आई टेट्रा फिश, रेड आई बलून टेट्रा फिश। अबे यार ये आ ही नहीं रहे यार गाइस, इनका आप कलर देख पा रहे हो यार, बहुत ही डार्क कलर हो चुका है यार। हमारे येलो कलर की जो कलर वीडियो हुए, जो रेड आई बलून टेट्रा है, बहुत ही प्यारा कलर हो गया भाई इनका। और गाइस रोजी बार की जो साइज है वो भी आप देख सकते हो, बहुत बड़े साइज के हो गए यार हमारे रोजी बार भाई साहब। ये देखो यार, तो गाइस ये हो गई भाई हमारी रोजी बार, ये देखो यार इनकी साइज देखो यार, कितने बड़े हो गए ध्रुव यार रोजी बार, देखना भाई बहुत बड़ी साइज भाई इनको कुछ भी हो। हाँ ना यार, और इनको कुछ नहीं यार, हमें दो मतलब दिन में तीन टाइम फीड कर रहे हैं भाई अभी, है ना। ये देखो इनका कलर भी देख सकते हो यार, बहुत डार्क हो चुका है यार। पूरा टैंक हमने चेक कर लिया, अभी यहाँ पे एक भी फिश नहीं है, सिर्फ लास्ट वाली बची जो की भाई रेड आई बलून टेट्रा। ये देखो भाई आ जा भाई, ये बहुत ज्यादा तंग कर रही है हमें, ये छोटी होने की वजह से यार मिल भी नहीं पा रही है हमें, इसे आराम से हाथों से ही पकड़ना होगा। ध्रुव उधर से अगर तू, ये टैंक काफी बड़ा भी है ना यार, तो थोड़ा दिक्कत आता है भाई पकड़ने में, ये इतना छोटा है ना भाई, सबसे छोटा होगा ध्रुव शायद से। ये देखो सबसे छोटा है भाई, ये देखो यार इसका कलर देखो, ओ वाओ। यहाँ से हमने सारे फिशेज वगैरह तो निकल लिए, अभी हमारा जो नेक्स्ट काम होगा, यहाँ से हमें जो हमारे ग्रेवल से ये सारे निकल देते हैं और इनको हमें अच्छे से अभी क्लीन करना है। तो यार दोस्तों यहाँ पे सबसे मुश्किल काम क्या जा रहा है, तो ये जो ग्रेवल से ना भाई ये निकालने में है, ठीक है ना। तो चलो भाई ये करना ही होगा भाई, क्योंकि पानी जो है ना भाई पूरा खराब हो चुका है यहाँ का, तो ग्रेवल से हमें अच्छे से क्लीन ही करना होगा। ये देखो यार इसे अभी मैं नेट की हेल्प से निकल रहा हूँ, मैंने यहाँ से सारे ग्रेवल्स निकल दिए। और मैंने सारे ग्रेवल्स क्यों निकाले, आप ये देखो भाई पानी, तो ग्रेवल्स के नीचे सारा कुछ जो धूल मिट्टी वगैरह सारा ग्रेवल्स के नीचे छुप गया था, तो निकालना हमें इम्पोर्टेंट था भाई, ठीक है। ये देखो भाई अभी ये सारे ग्रेवल्स हमें क्लियर। ओ भाई ध्रुव क्या भाई, क्या भारी भाई, सबको पता है इसमें कितने केजी ग्रेवल्स है, करीबन यार यहाँ पे 24 केजी ग्रेवल से भाई, ठीक है ना। अभी बहुत सारे भाई को नहीं लगेगा अभी 24 केजी नहीं, ये भाई ये 24 केजी ग्रेवल से भाई, हमने पूरी जो ग्रेवल्स की जो गोनी आती है ना भाई पूरी ऐड कर दी थी भाई। तो दोस्तों अभी हमारे जो ग्रेवल्स है वो तो दूर भाई इनको अच्छे से क्लीन कर रहा है, तब तक मैं हमारा जो टैंक है वो क्लीन कर देता हूँ यार। ये देखो यार बहुत ही ज्यादा इसको अलग ही लग चुका था, और इस बार हम क्या करने वाले भाई, यहाँ पे जो प्लेको फिश है वो भी ऐड करने वाले, मतलब ये जो अलग ही है यार ये यहाँ पे ना लग सके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत सनलाइट भी आती है आगे से, आगे वाली विंडो से, और यहाँ पे लाइट्स वगैरह चालू होने की वजह से थोड़ा बहुत अलग ही आ जाता है यार, तो अलग ही क्लीनिंग के लिए भाई हमें प्लेको लगेगा ही लगेगा भाई। अभी मैं पूरा क्लीन कर लेता हूँ। हमारे जो ग्रेवल्स थे इनको हमने अच्छे से क्लीन किया है, जो कि आप देख सकते हो भाई भी चमचमाते हमारे ग्रेवल्स, और इनको थोड़ा देर हमने ना धूप में भी दिखाया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार इनको ऊपर है ना यार ऐसे ऐसे अलग ही अलग ही आया होता है यार, तो इनको धूप में 10 मिनट हमने रखा है, तो अभी अच्छे से क्लीन हो चुके। ये वाला जो ब्रश था मेरा पुराना वाला ब्रश था, और इसी ब्रश की हेल्प से मैंने हमारे सारे ड्रिप टूट को अच्छे से क्लीन किया, और ये वाले जो प्लांट्स इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया, और जो मटकी है इनको भी अच्छे से ये ब्रश से ही मैंने क्लीन किया है भाई। मेरे कहने का एक ही मतलब है भाई, आप पुरानी वाली चीजें फेंका मत करो, थोड़ा बहुत उनका भी यूज होता है, जैसे कि मैंने अभी किया है ब्रश का। आप हमारा अभी टैंक देख सकते हो, इसको हमने अच्छे से क्लीन कर दिया, अभी सबसे पहले हम इसमें क्या ऐड करने वाले भाई, ग्रेवल्स। तो चलो ध्रुव भाई जल्दी आ जाओ यार, क्या कर रहे हो, तो अभी हम इसमें सारे ग्रेवल्स ऐड कर देते हैं। एक दो ये तीन।
चलिए गाइस, हमारा जो सेटअप है मैंने पूरा अभी डन कर दिया है। अभी सिर्फ इसमें हम पानी भर रहे हैं और पहले से मैं जो हमारा सेटअप था थोड़ा चेंजेस किया हूँ। जो ड्रिप टूट थे हमने यहाँ पे रखे थे, जो कि अभी मैंने मटकियों के यहाँ पे रख दिए क्योंकि यहाँ पे थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं। और जो फ्लोरॉन था मैंने इसको यहाँ पे मटके के अंदर रख दिया। ये देखो भाई, ये हमारा फ्लोरॉन क्यूट सा। और ये देखो भाई, मटके से यहाँ पे ड्रिप टूट अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे हमने रखे थे ना यार, इतना अच्छा लुक नहीं दे रहे थे यार, तो इसी की वजह से मैंने सोचा कि भाई ये यहाँ पे रखे दिए जाए और देखते हैं भाई पानी भरने के बाद ये क्या लुक देते। तो चलो गाइस, अभी हमें जल्दी जल्दी यहाँ का जो वाटर है भर लेते हैं। गाइस, अभी हमारा जो टैंक का वाटर है वो अभी कम्प्लीट भर चुका है, तो अभी मैं इसे अभी एक एक करके सारे फिशेस यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। और सबसे पहले गाइस, हमारी जो रोजी बार फिश है ये मैं छोड़ने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो यार, यहाँ पे हमारी प्यारी रोजी बार आ चुकी है। जाओ भाई जाओ, तुम्हारे न्यू न्यू पानी में, न्यू न्यू टैंक में। नेक्स्ट वाली जो फिश है वो है भाई हमारी बलून टेट्रा फिश। ये भाई हमारी बलून टेट्रा फिश, क्यूट सी भाई। गाइस, आपकी फेवरेट और मेरी फेवरेट कलर वीडियोस। हमारी जितनी भी फिशेस थी मैंने सारी यहाँ पे छोड़ दी भाई। सारी फिश तो मैंने छोड़ दी, बट हमें एक भी फिश नजर नहीं आ रही क्योंकि भाई ये सारी मटकियों के पीछे, ड्रिप टूट के पीछे, और कुछ यहाँ पे देखो यार सारी की सारी छुप गई है। सिर्फ हमारे रेड आई बलून टेट्रा को छोड़ के ये आगे ही घूम रही है यार। और जो हमारी फ्लोरन है यहाँ पे देखो यार, पूरी हाईलाइट हो रही है यार। और जो वाटर है ना गाइस, यहाँ पे थोड़ा आपको ब्लर नजर आ रहा होगा क्योंकि यार हमारे पानी में थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ गया है, क्योंकि अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो थोड़ा धूल मिट्टी आता है, तो ये देखो पूरा ब्लर लग रहा है। बट कोई नहीं यार, यहाँ पे मैं जैसे फिल्टर ऐड कर दूंगा ना भाई, ये कल तक पूरा पानी क्लीन हो जाएगा। अच्छा हमारा डेकोरेशन लगे तो मैंने जो एयर पंप था तो इस मटके के पीछे ऐड कर दिया है और ये काफी अच्छा भी लग रहा है यार। ये देखो, वाओ जबरदस्त। एक चीज आपको बतानी यार, ये वाला जो टैंक है ना ये बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ, और इसमें जो फिशेस है ना यार बहुत कम है, तो मेरा प्लानिंग चल रहा है कि भाई यहाँ पे वो मेरा प्लानिंग चल रहा है कि मैं कल ही जाऊँ तुषार भाई के फार्म पे और वहाँ पे मैंने अलग अलग वराइटीज के बहुत सारे टेट्रास देखी थी, तो मैं बहुत सारे यहाँ पे टेट्रास ऐड करने वाला हूँ। तो देखते हैं भाई, भाई को मैं कॉल करके देखूंगा भाई कल फार्म पे रहा तो हम जरूर जाएंगे और न्यू फिशेस लेके आएंगे हमारे सेटअप के लिए। ये देखो यार कितने क्यूट घूम रहे भाई हमारे टेट्रास। फिर अभी हम हमारे द डेजी फिश फार्म आ चुके हैं हमारे ब्रूनो को मिलने के लिए। ये देखो भाई, ब्रूनो मिलने के लिए आ गया। चल ब्रूनो, अरे भाई साहब गुस्सा कर रहा है भाई ये। अरे 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 ब्रूनो, यार ब्रूनो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं उसको कल घर नहीं लेके गया था, उसकी आने की इच्छा नहीं थी भाई हमारे साथ। चल ब्रूनो, अरे 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 ब्रूनो के लिए हमने वैसे बहुत सारा खाना भी लाया भाई इसके लिए, और इसका ध्यान कौन रखने वाला है, हमारे छोटे कुणाल भाई। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।